मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगी भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगी। भारतर गणतांत्रिक इतिहास ने जुड़ी हेला गोटे नुआ फरत देशर राष्ट्रपति हिसाब से शपथ नेले श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज संसद भवन सेंट्रल हॉल ने हितबार स्वतंत्र उत्सव ने नुआ निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सुप्रीम कोर्टर प्रधान विचारपति जस्टिस एन भि रमन्ना पद और गोपनीयतार शपथ पाठ करी पहला थर लगे जने आदिवासी महिला हिसाब से द्रौपदी मुर्मू देशर राष्ट्रपति हो शपथ समारोह उत्सव ने विदायी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र गृहमंत्री अमित शाह प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ओडिशार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सागे सबू राज्यसभा और लोकसभा सांसद और अलग बहुत मान्यगण्य अतिथि मैंने सामिल होते राष्ट्रपति हिसाब से दायित्व नेबार उतरु द्रौपदी मुर्मू देशवासी को संबोधन करथिले आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना जी सम्मानित सांसदगण अन्य महानुभवों देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों सभी को जोहार से सबू सांसद और विधायक मानकू धन्यवाद जनाबार संगे देशर सबू नागरिक मानकर आश आकांक्षा पूरण करबे बोलिकर कहिछन द्रौपदी मुर्मू तांकर अभिभाषण ने कहिथिले जे आजादी का अमृत महोत्सव अवसर ने तांकू दायित्व मिलिछे सेटा तांकर लागि इटा गोटे ऐतिहासिक मुहूर्त एबार 25 वर्षर लक्ष्य नेकिरी काम करबे ओडिशार गोटे छोट आदिवासी गाँव जेन तांकर यात्रा मूल हेइछे वार्ड काउंसिलर नु आसिकरी मुई राष्ट्र मुख्य हेइ पारिछन इटा आमर लोकतंत्र शक्ति बोलिकरी से कहिछन जुलाई 26 कारगिल विजय दिवस लागि जवान को आगुआनु से अभिनंदन जनैछन कोरोना महामारी ने सारा विश्व के सामर्थ्य देखे भारत गला दिन मानकू 200 कोटी डोज कोरोना टीका भारत देछे बोलिकरी श्रीमती मुर्मू तांकर अभिभाषण ने कहिथिले देवी और स्वजन मैंने अपने अब तक के जीवन में जन सेवा में ही जीवन की सार्थकता को अनुभव किया है। श्री जगन्नाथ क्षेत्र के एक प्रख्यात कवि भीम भोई जी की कविता की एक पंक्ति है मो जीवन पचे नर के पड़ी था उस जगत उद्धार है।